भागलपुर जिले के सनहौला थाना क्षेत्र में स्थित दुर्गा मंदिर में एक संगमरमर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किए जाने की घटना सामने आई है। अनुमंडल पदाधिकारी कहलगांव ने जानकारी दी कि आरोपी युवक विक्षिप्त है, जिसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और स्थानीय पुलिस बल की तैनाती की गई है। हालांकि इस घटना से आक्रोशित लोगों ने सनहौला थाना का घेराव किया और सड़कों पर आगजनी भी की, जिससे कई पुलिस वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ने के बाद स्थिति को संभाल लिया है। भागलपुर के सिटी एसपी डॉक्टर के रामदास भी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन की। उन्होंने बताया कि इस मामले में मोहम्मद शहबाज नामक एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही 8 अन्य उपद्रवियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं मंदिर के पुजारी गोरेलाल झा और सेवक अशोक मंडल ने बताया कि प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से मंदिर की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। साथ ही जनता से अपील की गई है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें और शांति बनाए रखे। उनके ऊपर में कोई आदमी है तो गए तो वहाँ पे देखे कि वो जो है वो मंदिर को राधा जो है ना वो तोड़ रहा था। दुर्गा महारानी का मंदिर पहले तोड़ दिया था, राम दरबार में तोड़ रहा था, तो ये कुछ पकड़ने के लिए कोशिश किया, काहे तोड़ता है, तो इसका कालर पकड़ा, हमको बताएं। वो बोला और ज्यादा करेगा तो सब मंदिर तोड़ देगा। उसके बाद फिर भाग गया। कौन था वो? नाम नहीं पता चला। नाम नहीं पता। कितने बजे घटना हुई है? 3:30 बजे का। सीसीटीवी है यहाँ लगा हुआ? सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है। थाने के ठीक बगल में है? हाँ, थाने का ठीक साइड में है मंदिर। सटा हुआ? सटा हुआ नहीं है, मुझे पीछे है। हाँ, पीछे है। 3 बजे अलिये यहाँ, जैसे शंकर जी खोल लिए तो यहाँ देखे ऊपर में ढाक बजी रहे, तो वहाँ गलिये तब देखे मैं तोड़ी उड़ी के बराबर करते, मैं कहिए तो कहना तोड़ ले मूर्ति, कल के हाँ तोड़वा राधा जी ले के भट्टा सी दिल का, मैं बोला लगे हमरे गट्टा धर। कितना आदमी छे सर? एकेट आदमी छे। की नाम छे? अब नाम हम नहीं जाने छे, अब की नाम छे पता नहीं। जेवर उड़ तोड़ी होले जाय? जेवर उबर तो छे दुर्गा मंदिर में नथिया आरो सब छे। आज दिनांक 20/10/24 को लगभग 5 बजे सुबह पुलिस को सूचना आई, एक असामाजिक व्यक्ति के द्वारा एक दुर्गा मंदिर पे मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया। सो इसी संबंधित तुरंत पुलिस बल घटनास्थल के पहुंच के निरीक्षण किया गया है, उस संबंधित उधर पुजारी को भी पूछताछ किया है। इसी क्रम में पता चला है कि एक व्यक्ति नाम मोहम्मद शहबाज, इनके द्वारा ये मूर्ति क्षतिग्रस्त हुआ है। तुरंत संबंधित शामिल व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार हुआ है। इसी चीज लेके कुछ लोगों को द्वारा सड़क जाम किया गया है, अभी उनको हटा दिया गया है, अभी विधि व्यवस्था और यातायात सामान्य है, अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। कितनी मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया गया है? इसमें अभी एक से दो मूर्ति का क्षतिग्रस्त किया गया है। भागलपुर जिले के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के पुरानी सराय में एक खून से लथपथ बाइक मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बाइक जीविका कार्यालय के पास से बरामद हुई है और बाइक सवार व्यक्ति लापता है। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर मधुसूदनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम भी जांच में जुट गई है। वहीं डीएसपी राकेश कुमार के नेतृत्व में मामले की छानबीन की जा रही है। लापता व्यक्ति की पहचान मनियारपुर निवासी ओम जय प्रकाश सिंह के रूप में हुई है, जिसे उनकी पत्नी और बेटी ने बाइक और चप्पल से पहचाना है। जय प्रकाश सिंह की पत्नी ने बताया कि उसके पति ने हाल ही में गांव के 5 लोगों के खिलाफ जमीन विवाद को लेकर मारपीट और हत्या की धमकी का मामला कोर्ट में दर्ज कराया था। उनका फोन आखिरी बार 8:30 बजे स्विच ऑफ मिला, जिसके बाद से उनका कोई पता नहीं है। फिलहाल पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम गायब व्यक्ति की तलाश और मामले की जांच में जुटी है। क्या हुआ तुम्हारे पापा के साथ? जा रही है शाम में यहाँ से गए, बोले मार्केट जा रहे हैं और गेहूं था तो गेहूं लेके गए, बोले बेच के मतलब सब्जी उब्जी भी लेके उधर से आएंगे। तो 7 बजे के लमसम कॉल किए तो रिसीव नहीं किए, और उसके बाद जब कॉल किए तो स्विच ऑफ बताने लगा। अभी क्या लग रहा है? अभी क्या मिल? अभी कुछ मिल ही नहीं, पता ही नहीं है। अभी क्या क्या चीज मिला है? नोंगी मिला है, बाइक है, चप्पल है और ब्लड उसमें लगा हुआ है सारा, और पापा का पता नहीं है कुछ। किसी से कोई दुश्मनी? हाँ, गांव से था और बड़ी मम्मी है घर की, उसी से था। किस बात को लेकर? मतलब जमीन जायदाद के बारे में, उसी के लिए है।
उसी के लिए दुश्मनी चल रहा था। पहले भी कभी मारपीट हुआ था? जी मेरा सर भी खोड़ी थी, बीच में 2-3 मंथ हो रहा है, इसमें हुआ था बड़ी मम्मी से विवाद जमीन को लेकर। भागलपुर के नाथनगर थाना पुलिस की गश्ती गाड़ी पर अपराधियों ने अचानक फायरिंग कर दी। दरअसल यह घटना उस समय हुई जब पुलिस शराब तस्करों के खिलाफ छापेमारी के लिए जा रही थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक अपराधी को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 अन्य अपराधी जो मौके पर एक देसी कट्टा और एक फायर की हुई गोली छोड़ गए, उसने अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। गिरफ्तार अपराधी की पहचान नाथनगर थाना क्षेत्र के गोसाईदासपुर गांव निवासी कुंदन कुमार के रूप में की गई है। वहीं तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी कट्टा और एक गोली का खोखा बरामद हुआ है। पुलिस ने मौके से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है। वहीं फरार अपराधियों की पहचान गोसाईदासपुर निवासी ललन यादव और बंटी यादव के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने तीनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है और फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। भागलपुर के बाईपास थाना क्षेत्र के डीबीसी कॉलोनी मोड़ के पास एक बड़े मिस्त्री संजय शर्मा की बेरहमी से पिटाई के बाद मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। दरअसल यह घटना मॉब लिंचिंग का नतीजा बताया जा रहा है, जिसमें शक के आधार पर उनकी हत्या कर दी गई है। वहीं संजय शर्मा के परिवार से मिलने जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह अपने सदस्यों के साथ पहुंचे। उन्होंने देखा कि पीड़ित की पत्नी महज 8 महीने के बच्चे के साथ अकेले घर में रह रही है और परिवार की देखभाल के लिए कोई नहीं है। डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने मॉब लिंचिंग को एक गंभीर सामाजिक अपराध बताया और कहा कि इस घटना ने पूरे अंग क्षेत्र के लोगों को झकझोर दिया है। संस्था ने पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए तत्काल 21,000 रुपये की आर्थिक मदद की और 1 साल तक हर महीने 1,000 रुपये देने का फैसला किया है। साथ ही कानूनी सहायता और बच्चे की चिकित्सा जिम्मेदारी भी संस्था द्वारा ली जाएगी। संस्था के सचिव सोमेश यादव ने लोगों से आर्थिक मदद की अपील करते हुए अपना फोन नंबर और संस्था का अकाउंट नंबर साझा किया है। वहीं पीड़ित से मिलने वालों में सोमेश यादव, आवा पाठक, रजनीश और अखिलेश भी शामिल रहे। धरती के लिए इस तरह से इनके पति को की हत्या कर दी गई, एक चोरी के आरोप में। यदि चोरी किया भी गया है तो उसका जो कानूनी कार्रवाई होता है वो होता है, ना कि किसी की हत्या। तो ये मॉब लिंचिंग का केस है और जीवन जागृति सोसाइटी लगातार सड़क दुर्घटना, जल दुर्घटना में स्नेक बाइट से इत्यादि, और साथ में मॉब लिंचिंग के लिए हम लोग काम करते हैं कि कोई भी भीड़ में हत्यारा का रूप नहीं ले, भीड़ का कोई रूप नहीं होता है और भीड़ को सोच समझ के ही करना चाहिए, बल्कि उसको मदद के लिए करना चाहिए, ना कि इस तरह से किसी को पिटाई करके हत्या करने। तो बहुत दुखद है, मैं बाहर था, हमारे सोसाइटी के सदस्यों ने फोन किया कि ऐसी ऐसी घटना हुई, हम लोग यहाँ आए और हम लोग देख रहे हैं कि इनका छोटा सा बच्चा है और अकेली यहाँ रहती है और इसके पति उसका बढ़ई का काम करता था, अब इसका कोई गुजर बसर करने वाला नहीं है। तो हम लोग अभी तो प्रथम फेज में यहाँ आए हैं और अभी हम लोगों ने 21,000 रुपये का मदद किया, साथ ही हम लोग इसके बच्चे का हम लोग पूरा इलाज का जिम्मा लेते हैं और इसकी जो विधवा पत्नी है उसको भी, जो भी अगला डिलीवरी होने वाला है उसमें भी हम लोग कोशिश करेंगे इसको कि मुफ्त इसका सारा हम लोग करवा दें, कोई भी दवा दारू खर्च नहीं हो। जगदीशपुर थाना परिसर में काली पूजा, दीपावली और छठ पूजा के मद्देनजर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष प्रशिक्षु डीएसपी विशाल आनंद ने की। विधि व्यवस्था की देखरेख के लिए डीएसपी चंद्रभूषण और इंस्पेक्टर गणेश कुमार भी बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान पूजा और मेलों के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर तुरंत पुलिस को सूचित करने की अपील की गई। साथ ही यह भी कहा गया कि सभी मेला पंडालों पर पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी और हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में राबिया खातून, जगदीशपुर प्रमुख प्रतिनिधि अजय मंडल, भारतीय भूषण झा, घनश्याम मंडल, मुखिया मुकेश मंडल, मुखिया शाहबाज, रणवीर सिंह, अशोक सिंह, आनंदी कुमार सिंह और सुशील यादव सहित अन्य गणमान्य लोग भी शामिल हुए।
भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित कृष्णानंद स्टेडियम के नवदुर्गा मंदिर प्रांगण में भवन निर्माण को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता नवदुर्गा मंदिर के अध्यक्ष संजय कुमार ने की। बैठक में मंदिर के जमींदाता और सभी सदस्यों ने भाग लिया। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नए भवन का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। इस मौके पर नवदुर्गा मंदिर के सचिव चंदन कुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष विजय कुमार सिंह और सदस्य नीरज कुमार सहित अन्य सदस्य भी मौजूद थे।